आगे राम कथा की महिमा गाई। बोले राम कथा अद्भुत है, राम कथा बनी कब? संबत 1631 करो कथा हरिपद धरी सीसा। 1631 में मुगलों के समय मुगलों का आक्रमण लगातार हो रहा था, उस वक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदुओं को एक ऐसा सनातन का सहारा दिया कि हिंदुओं की जय जयकार हो गई। हाँ सच बता रहे हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करते ना, उस वक्त हिंदुओं को कोई सहारा मिलता। धन्य है कली कुल शेखर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। जब मुगलों का आक्रमण लगातार हो रहा था तब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ऐसा बाण पकड़ा दिया श्री रामचरितमानस कि जो हिंदू धर्म बदल रहे थे वो पुनः स्वधर्म सनातन में रह गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अयोध्या नगरी में मंगलवार के दिन नौमी तिथि में श्री रामचरितमानस का प्रकाशन हुआ। अब रामायण की रचना तो कर दी पर इसका प्रचार करना जरूरी रह गया। विद्वानों से कहा रामायण पढ़ो रामायण। नहीं नहीं नहीं, ये हिंदी की है, भगवान तो देव भाषा सुनते हैं। एक बात और है, विद्वान बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, क्षमा करना, माफ करना, हाथ जोड़कर हम मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, माफ करिएगा। देखो विद्वानों में कभी एकता नहीं होती है और गांजा पीने वालों में सुबह लड़ाई शाम को एक, और ई वाले पब्बा बारे कितना लड़ाई हो जाए शाम को फोन लगाई ना काय हो ना जाए ठंड ठंड तनता। बोलो सीताराम। और विद्वान विद्वान अच्छा नागपुर में कितने आचार्य नहीं होंगे, सुनने के प्रेमी होंगे। बोले बा वो कथा सुनाने आए तो क्या हुआ, हम भी कम है क्या, हम भी बकता है। और विद्वानों में कभी एकता नहीं होती। एक राजा के घर पर दो ब्राह्मण विद्वान पहुंचे, एक ब्राह्मण नहाने गया था, दूसरा बैठे तो राजा ने कहा बा 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 जो आपके साथ में वो भी बहुत विद्वान है, आप भी हो पर वो भी है। वो वाले बोले हैं कहां के विद्वान, एक से भले दो, वो तो पक्का घोड़ा है घोड़ा, वो तो हम अकेले आ रहे थे तो हमने कहा साथ में ले चले, नंबर एक का घोड़ा है। राजा बोलो जय हो। अब जे पंडित जी नहाने गए, सुबह नहा कर आए, उनसे कहा महाराज ये जो महाराज गए ये तो बड़े विद्वान है, आप तो उतने नहीं हो। अरे बोले वो कहां के विद्वान, पक्का बैल है बैल, विद्वान तो हम है। राजा बोले जय हो। जब भोजन करने बैठे तो एक जन के सामने चना धर दिए, दूसरी जन के सामने भूसा। विद्वान बोले ये हमारा अपमान है, ये क्या है, अरे कहीं भूसा हो चना रखते हैं। राजा बोले सरकार आप ही ने तो परिचय दिया, आप ही इनसे कह रहे थे कि ये तो पक्का घोड़ा है, इनको कह रहे थे ये तो पक्का बैल है, तो हमने सोचा भोजन भी वैसे ही रखा जाए। बोलो सीताराम। तो विद्वानों में कभी एकता नहीं होती और गांजे वालों में कभी बुराई नहीं। अच्छा गांजे वाले कहने भी लगते हैं दम भाई तो निज भाई, बाकी भाई घिसर पिटर। पीने वाले तो अपने भाई है। बोलो सीताराम। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग आज ही से विद्वत्ता छोड़ के दम भाई बन जाओ, नहीं नहीं, ये तो कहावत है। हमारा मतलब यह है विद्या ददाति विनयम, जिसके अंदर विद्या होती है उसके अंदर विनयता होती। सूर्य कभी नहीं कहता मैं सूर्य हूं, सूर्य की रोशनी खुद बता देती है कि ये सूरज है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता। हमारे पास कई लोग आते जैसे पुराने जमाने में तो हम बुद्धू होते, अब तो तना हम बुढ़ापो आगो हम आओ तो समझदार हो गए। तो पुराने समय में हमारे लोग आते थे महाराज हम नहीं मानते भगवान होते या नहीं होते, शक्तियां हम नहीं मानते। तो हमें पहले गुस्सा आ जाती है कैसे नहीं माना, तुरंत हमने पर्चा उठाओ पेन लाओ, है तुम्हारे बाप को नाम जो तुमने जी जी कांड करे ले ले जा। हमें लगा तो कि हमने बहादुरी का काम कर दिया, लेकिन हमें जब बाद में एक दिन गुरु जी ने डांटा बोले बेटा तुम्हारे पास कोई भी व्यक्ति आता माइक लगाता है वो कहता कि हम नहीं मानते कि सिद्धि होती हो, तुम तुरंत चमत्कार दिखाने लगते हो, बेटा वो बुद्ध बन जाता तुम बुद्धू। क्यों? क्योंकि वो बिना टोकन नंबर के बिना धक्का खाए पर्चा बनवा के आशीर्वाद लेके चला जाता है।
बाद में हमें समझ में आया, हमारे गुरुजी ने कहा, हमने कहा गुरुजी तब क्या करना चाहिए, बोले कोई कुछ कहता रहे ये दुनिया का काम करना है, ये तो जिंदगी है, जब तक कुछ लोग जब तक मरोगे नहीं तब तक कुछ कहोगे, और दुनिया अपन को क्या प्रमाण पत्र देगी कि हम राम जी के हैं कि नहीं। राम जी ने पहले प्रमाण पत्र दे दिया कि हम राम जी के हैं। दुनिया के कहने पर मत चलो, किसके कहने पर चलो, जो भीतर वालों बोले, और जो दुनिया की सुनत उनकी बुराई दुर्दशा हो। एक बाप और एक बेटा दोनों गधा बेचने जा रहे थे, गधा, अब ये मत कहना कि नागपुर के हैं, कहीं और के। बाप और बेटा एक गधा बेचने जा रहे, पैदल पैदल पैदल। दो चार आदमी खड़े थे नागपुर के, बोले राम राम, कितना बुरा जमाना आ गया, साथ में गधा है पैदल जा रहे। बाप बोला बेटा एक काम करो बैठो, गधा पे दोनों बैठ गए, आगे चले कुछ बूढ़े लोग बैठे थे वृद्ध। अरे राम राम, कितना उल्टा जमाना आ गया, पतला सा बेचारा अकेला गधा, दो दो सांड जैसे बैठे। बाप बोला बेटा लोगों में बेइज्जती हो रही है, काम करो। बोले क्या, बोले एक काम करो तुम बैठो बेटे, हम पैदल चल रहे। पैदल चलने लगा बाप, बेटा बैठा गधा पर, बेचने जा रहे, बैट बॉल खेल रहे थे लड़का कुछ क्रिकेट। वो बोले बता तो क्या जमाना आ गया, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है और बेटा सांड जैसा खुद गधा पे बैठा है। बेटा बोला पिताजी हमारी बेइज्जती हो गई। बाप बोला क्या करें। बेटा बोला एक काम करो अब तुम बैठो हम पैदल चल रहे। अगले गांव में पहुंचे, कुछ महिलाएं खड़ी थी। अरे राम 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 राम, बताओ तो क्या जमानो आ गो, बड़ो घोर कलयुग आ गो, क्या कलयुग आ गया। बेचारा 16 साल का नन्ना सा पतला सा लड़का पैदल जा रहा है और ये बुढ़ापा आ गया, मरने को हो गया, ये सांड जैसा बैठा गधे पर। बाप बोला बेटा हमारी बेइज्जती हो गई, अब क्या किया जाए, अब तो कोई उपाय नहीं, अब तो एक ही उपाय बचा के गधा को ही टांग लो पीठ पे। और ये लोग इतने मूर्ख, किन्ने कर भी लिया, एक लकड़ी ढूंढी, रस्सी ली, उल्टा किया गधा को बांधा, एक कंधे पे बाप ने रखा एक पे बेटा। आदमी फिर मिले, आदमी फिर नहीं चूके, आदमी फिर बोले अच्छो कल जोगा, आज तक हमने लोगों को गधे के ऊपर देखा था, आज तो देखो उल्टा जमाना, गधा लोगों के ऊपर। तो फिर क्या, एक पुल पार कर ही रहे थे कि गधा का भी दिमाग खराब, गधा भी सुन सुन के हैरान के आखिर ये कब तक टांगेंगे, आज तक हमारे ऊपर वजन, अब हम किसी के ऊपर वजन। गधा फड़फड़ाया, पुल पे जा रहे थे, गधा फड़फड़ाया, दिमाग गरमाया, गधा फड़फड़ाया, दिमाग गरमाया, छलांग लगाया, तीनों नदी में डूब पड़े। जैसे तैसे बाप बेटा को तैरना आया, तैर करके बाहर आया, बाहर चल करके पैदल घर पर आया। बाप बेटा दोनों चिंता में बैठे, बाप से बेटा बोला क्या हुआ बापू, बोले कुछ नहीं, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। जमाना बड़ा उल्टा है, पैदल चलो तो नहीं चलने दिया, गधा पे बैठो तो नहीं चलने दिया, गधा को ही ऊपर बैठाया तब भी नहीं चलने दिया, अंत तो गधा से हाथ ही धोना पड़ा। ये दुनिया ऐसी है साहब, दुनिया तुमसे क्या कहती, इस चक्कर में मत पड़ना, तुम तो तिलक लगाकर राम कथा में आ जाया करना, तुम जहां रहना वहां सीताराम कहना, दुनिया का काम कहना है ये कहती रहेगी, अपना काम प्रभु का होना है, हम होकर के ही मानेंगे। अबे ये बोले, अबे तक इंजन दबाओ गरम नहीं भाव तो का, नागपुर के आओ का, नागपुर के, हाँ तो ठीक